अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको CSE सेंटर अप्लाई करने का ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस दिखाया था। तो मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे कि आप CSE में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। जिस वेबसाइट से मैंने CSE में रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस पर मैंने देखा कि यूट्यूब पर काफी लोगों ने फेक वीडियोज बनाई हुई है, काफी लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है कि CSE के जो रजिस्ट्रेशन है वो परमानेंटली डिसेबल कर दिए गए हैं, अब आप CSE में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये एकदम फेक न्यूज है। सही न्यूज क्या है, आप CSE में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम सही जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं CSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर register.cse.gov.in, जहां से आप CSE में रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां अप्लाई में रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। तो यहां पर आप नोटिस देख सकते हैं, एक नोटिस लिखा हुआ है, VLE रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज बीइंग रिवैम्प्ड, एप्लीकेशन एज पर न्यू प्रोसेस विल बी अलाउड शॉर्टली, काइंडली बियर विद अस फॉर सम टाइम, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। इसका मतलब ये है कि VLE पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसमें कुछ अपडेट किया जा रहा है। नई प्रक्रिया के अनुसार जल्द ही आवेदनों की अनुमति दी जाएगी, यानी अभी एक नया प्रोसेस आने वाला है CSE में रजिस्ट्रेशन करने का, और जो भी नया प्रोसेस होगा वो जल्द ही आ जाएगा, उसके बाद फिर आप CSE में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कृपया कुछ समय के लिए हमारे साथ रहें, असुविधा के लिए खेद है। तो आपको वेट करना है जब तक ये नया प्रोसेस नहीं आ जाता है और जब तक इस प्रोसेस को अपडेट किया जा रहा है। तो जैसे ही नया प्रोसेस आ जाएगा, नए प्रोसेस के साथ फिर आपको CSE में कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस पर भी इसी चैनल पर आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपका कोई और क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।